हमारे अंकल नाटक कर रहे हैं। हाँ, और हमें कुछ करना होगा। कभी तो अपना दिमाग यूज कराकर हमेशा बचपन में ही जीती रहेगी। बहुत बार दिमाग हो गई हो। मम्मी मम्मी आपने जिंदगी को देखा? क्या हो गया? आंटी जिंदगी को हमने हर जगह देख लिया, वो मेरी थी। कहाँ चली गई है लड़की? घर से पैसे भी ले लिए हैं, बिना पैसों के चली गई, कहाँ होगी, किस हालत में होगी? ये मजा आ गया। अरे रे, क्या करेंगे, मार ना दू। हाँ बिल्कुल, क्या सही है। घर में सब परेशान है, पापा भी परेशान है, पापा बाहर ढूंढने गए आपको। मम्मी, अब अपने ही टेरेस पे आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? जितनी आपकी जुबान चलती है ना, उतना अगर आपका दिमाग चल रहा होता तो काश अच्छा होता। लाओ फोन मुझे दो। हेलो, इसमें जीनी मिल गई क्या? हाँ मिल गई आपकी जिनी। यहाँ छत पे ना वीडियो गेम खेल रही थी आपकी जिनी, इसने तो हमें चैन से ना जीने देने की कसम खा रखी है। अच्छा, अब एक काम करो, आप ध्वनि को लेके घर आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी से आता हूँ। हाँ आ जाओ, और आप नीचे चलो, पापा आते ही होंगे। बस करो हर्षित बेटा, तुम जिसके लिए इतनी देर से परेशान हो ना, वो मैडम जी तो छत पे वीडियो गेम खेल रही थी। कम ऑन यार जी, तुम मुझे तो बता ही सकती थी। यार घर पे सबको क्या हो गया, अब मैं अपनी छत के टेरेस से सबसे पूछ के जाऊंगी। जी तुम ठीक तो हो? दीदी दीदी, मैं तो डर रही थी कि मेरे साथ खेलेगा कौन। हाँ हाँ, इससे होगा क्या, ये सब का टाइम वेस्ट करके मैडम जी मजे से छत पे गेम खेल रही थी। अरे इसमें बस भी करो। क्या बस करूँ, मैं कुछ बोलूंगी भी। चलो ठीक है जिनी, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। जिनी बेटा, आपको मम्मी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, आप तो जानती हो ना अपनी मम्मी को, और वैसे भी पहले तो नहीं थी आपकी मम्मी ऐसे। नहीं पापा, मैं मम्मी की बात का बुरा नहीं मानती। ठीक है बेटा, मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, मैं जरा ऊपर जाके आराम करता हूँ। जिनी दीदी, चल खेलते हैं। तू चुप कर, आज जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार तू ही है। दीदी मैंने क्या किया? आज तू है, इसीलिए तो मुझे मम्मी का प्यार नहीं कंपैरिजन मिलता है, मुझे बड़ी और छोटी बेटी के ताने सुनने को मिलते हैं। मेरी क्या गलती हुई दीदी? तेरा इस घर में होना ही गलत है, तूने मुझे मेरी मम्मी से दूर कर दिया। जाना ही होगा।
कोई मेरी हेल्प करता है जरा सी भी? दिवाली सिर पे है, सफाइयां करनी है, सारे काम करने, कोई मतलब है आपको? आपको छोड़ो, जिन्नी इतनी बड़ी हो गई है उससे कोई मतलब नहीं है कि मम्मी की जरा सी हेल्प कर दे, थोड़ा सा काम में हाथ बटा दे। अरे सब में मेरी क्या गलती है? आपकी तो कोई गलती कभी कुछ होती ही नहीं, सारी गलती तो इसे ऐशना की है। छोड़ो, मैं भी सुबह सुबह किससे बहस करने बैठ गई, मैं जा रही हूँ जरा देख कर आऊँ जिन्नी धोनी। मैंने छत पर जाके गलती कर दी, मुझे घर छोड़कर ही चले जाना चाहिए था। जिस घर में मेरे लिए प्यार ही नहीं है उस घर में रहकर क्या फायदा? रानी साहिबा, ब्रेकफास्ट ऊपर डाइनिंग पे करोगी या यहीं पे लगा दूं? तुझको जरा सी भी शर्म आती है या नहीं आती है? मैं सारा दिन अकेले काम में लगी रहती हूँ, जरा सी भी हेल्प करती है मेरी? चुपचाप ऊपर आ जाओ, ब्रेकफास्ट में मेरी हेल्प कर दे, और हाँ साथ के साथ ध्वनि को भी लेते हुए आना ऊपर। पता नहीं सारे घर को मुझसे क्या दिक्कत है। एजना कहाँ रह गई तू? मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो। देती हूँ, पहले आपकी दोनों बेटियां तो आ जाएं। ये लो जीनी तो आ गई। बेटा धोनी कहाँ है? मुझे नहीं पता। धोनी बेटा जल्दी से आ जाओ। जीनी मैंने कहा था ना ध्वनि को लेकर आना, लेकिन आपसे तो एक काम भी ढंग से होता ही नहीं है। ध्वनि, ध्वनि बेटा, ध्वनि। मैं ना ब्रेकफास्ट की तैयारी बाद में करूंगी, पहले मैं ध्वनि को लेकर आती हूँ। ठीक है। इस घर में जो भी जाता है ना वो कभी वापिस नहीं आता। पहले तू चली गई छत पे, फिर ध्वनि पता नहीं कहाँ चली गई, और अब मम्मी नहीं आई अभी तक। अरे मेरी छोड़ो, ध्वनि कहीं भी नहीं मिल रही। क्या? अरे तुमने छत पे देखा? हो सकता है जिंदगी तेरे मजाक मस्ती कर रही हो। पूरा घर देख लिया, छत पे भी नहीं होगी। गई होगी अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ। अरे मुझे बिना बताए वो कहीं भी नहीं जाती। अरे मम्मी घबराओ मत, आ जाएगी। तू तो चुप रह, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे देख कर ही कॉपी कर रही है वो। अरे आ जाएगी यार, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, बैठो आराम से, फालतू में टेंशन लेते रहते हो। अननोन नंबर। हेलो कौन? कविता स्पीकिंग। क्या? अरे पापा किसका फोन है, कौन है फोन पे, इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? कौन हो भाई? कविता स्पीकिंग। कविता आप जेल से कब छूटे? तुम सबकी बेवकूफियों के कारण ही मैं जेल गया था, अब उसका हिसाब किताब करने के लिए मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो कबीरा भाई आप अकेले आओगे या अकाउंटेंट भी साथ आएगा? कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों चुप रहूँ? सुना नहीं अभी कबीरा ने क्या कहा, उसको हिसाब किताब करना है तो एक दो अकाउंटेंट तो लगेंगे ही ना। चुप करो बेवकूफो, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। क्या? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी ध्वनि से बात कराओ। मैं इस कॉल को अपने आदमियों के साथ कनेक्ट कराता हूँ, वो तुम्हारी बात ध्वनि से करा देंगे। आमोस। अच्छा ले बात कर। लो कर लो बात। मम्मी पापा बचाओ। और चला फोन, मना किया था ना फोन चलाने के लिए, और तूने ट्यूशन का होमवर्क किया है नहीं किया, और शारदा आंटी को जिस कटोरी में चीनी दी थी वो कटोरी वापस लाई या नहीं लाई? अरे सारी बात आज ही कर लोगी क्या उससे? वो पिकनिक पे नहीं गई है, वो किडनैप हुई है। किडनैप? फोन दो मुझे इधर। ध्वनि बेटा आप कहाँ हो, जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो, मैं फटाफट से आता हूँ। पापा सुनो, मेरी आधार कार्ड वाली फोटो पुलिस को मत देना, दीदी के फोन पे मेरी मेकअप वाली फोटो है वो ही देना। ए भगवान, ये लड़की भी ना। अरे तू एड्रेस देना मुझे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे तेरी बेटी को छोड़ने के लिए 20 पेटी आज की आज चाहिए शाम तक। पेटी? अरे नहीं नहीं, पहले बेटी फिर पेटी।
20 लाख दे और छुड़ा ले अपनी बेटी को यहाँ। कबीरा भाई, इस महंगाई के जमाने में थोड़ा डिस्काउंट तो दे दो, 15 में डन करते हैं। हाँ 15 में। चुप कर, कबीरा के साथ मजाक नहीं करते। अगर ऐसा करेगा तो कल अपनी बेटी के बारे में अखबार में पढ़ेगा, समझा? अगर मेरी बेटियों को छुआ ना तो अच्छा नहीं होगा कबीरा, तू देख लियो। हाँ हाँ देख लूंगा, और लोकेशन में टेक्स्ट कर रहा हूँ। और ध्यान रख, अगर तूने पुलिस को बताने की होशियारी की तो क्या असर करूंगा मैं तेरी बेटी का। ठीक, शाम को 5 बजे पहुंच जाना 20 पेटी लेकर। कबीरा भाई ने बहुत अच्छी किडनैपिंग कराई है। अरे अंकल, आप ही कबीरा स्पीकिंग कब आएंगे? जब देखो कबीरा स्पीकिंग बोलते रहते हैं। अरे बॉस बस आते ही होंगे। अरे अंकल, आपको मुझे किडनैप करके तो बहुत ही फायदा हो रहा है, आपकी कस्टमर सर्विस तो इतनी खराब है मैं क्या ही बताऊं। तू कस्टमर सर्विस की बात करती है, क्या चाहिए तुझे बता? मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एक काम करो, एक कोल्ड ड्रिंक और थोड़ी सी चिप्स का इंतजाम कर दो। ठीक है, तू रुक, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अंकल आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आपके हिस्से का पैसा नहीं मिला तो? बिल्ला फावड़ा नाम है मेरा, सारे चांदनी चौक में मेरा सिक्का चलता है। अच्छा, तो अभी हम लोग चांदनी चौक के बाजार में हैं, तो जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ। अच्छा ठीक है, अभी लेके आ रहा हूँ, और भागना मत वरना तेरे 5 लाख भी चले जाएंगे। चलो अब अपने पापा को कॉल लगाती हूँ, क्या ही गुंडा बनेगा ये भी, ये तो बन सके गए नहीं है, और फोन मेरे पॉकेट में था ये भी नहीं पता। पता नहीं किस हाल में होगी ध्वनि, कल मैंने उसको कितना कुछ कह दिया, मैंने भी ध्वनि को बहुत कुछ सुना दिया, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जिनी, ये सब आपके कारण हो रहा है, ना आप ध्वनि के साथ हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते, ना वो ऐसा सीखती और ना वो घर छोड़ के जाती। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे ऐसा बस करो, जब देखो इसको कोसती रहती हो, अब तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। दिवाली आने को है, मुझे मेरी बेटी वापिस चाहिए दिवाली से पहले, आप पैसों का अरेंजमेंट कहीं से भी करो, मुझे दिवाली से पहले मेरी बेटी चाहिए घर पे। अरे ऐसा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज ध्वनि घर में होगी, मैं उसे जैसे मर्जी छुड़ा लूंगा। अरे तो ध्वनि, हेलो पापा। ध्वनि, ध्वनि तू कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है बच्चा?